वन स्क्वायर, फाइव स्क्वायर, सेवन स्क्वायर, 73। अपने को ये सीरीज गिवन है, क्या गिवन है, वन स्क्वायर, फाइव स्क्वायर, सेवन स्क्वायर, 73। तो अब इसमें अपने को क्या निकालना है, अपने इसे बताना है कि इसके आगे का टर्म क्या होगा। तो अगर मैं इसे लिखूँ तो ये सीरीज क्या गिवन है, सीरीज गिवन है, सीरीज गिवन है वन स्क्वायर, फाइव स्क्वायर, सेवन स्क्वायर, 73, ये गिवन है। जैसे अगर मैं ओपन करूँ तो ये तो वन स्क्वायर वन, और ये फाइव स्क्वायर कितना 25, और सेवन स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और 73। अब अगर मैं देखूँ यहाँ से मैं निकालता हूँ, डिफरेंस निकालता हूँ हर एक कंजुकेटिव नंबर के बीच में क्या है, तो 25 - 1 ये कितना हो जाएगा 49। सिमिलरली अगर मैं 49 - 25 निकालूँ तो ये भी कितना हो गया 24। सिमिलरली अगर मैं 73 - 49 निकालूँ तो ये भी कितना 29। तो यहाँ से अपन क्या देखते हैं, जो कॉमन डिफरेंस होगा कंजुकेटिव टर्म में, या मैं बोलूँ डिफरेंस बिटवीन कंजिक्यूटिव नंबर इज क्या है, कॉन्स्टेंट है, 24 ही है हर केस में। अब मैं क्या बोला, मैंने बोला डिफरेंस बिटवीन कंजिक्यूटिव नंबर इज कॉन्स्टेंट, सो द गिवन सीरीज इन एपी, तो जो गिवन सीरीज गिवन है वो किस प्रोग्रेस में है, एपी में गिवन है। अगर एपी में गिवन है तो एपी के अपन नेक्स्ट टर्म बता सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे एपी का जो फर्स्ट टर्म होगा, जिसे मैं स्मॉल ए से डिनोट करता हूँ, तो इसे मैं फर्स्ट टर्म बोलता हूँ। तो फर्स्ट टर्म जिसे ए बोलता हूँ, इसकी वैल्यू क्या है, वन, और कॉमन डिफरेंस को मैं डी से बताता हूँ, ये क्या है 24। तब अगर कोई सा भी टर्म अपन बता सकते हैं, टी एन, एनएथ टर्म को अपन मैं टी एन बोलूँ, ये क्या है, एनएथ टर्म बोलूँ, तो टी एन क्या होता है, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो अब अपन कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं और नेक्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं। तो अगर ये 73 कौन सा टर्म है, 73 अगर फोर्थ टर्म है, तो 73 फोर्थ टर्म है, तो मैं अगर टी फाइव निकालना चाहूँ तो यहाँ से मैं टी फाइव निकाल सकता हूँ, ए प्लस क्या होगा 4d, ए को पता है 1 + 4d 4 × 24, तो 1 + 96 इज टू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगा 1 + 96 इज टू 97, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 97। तो गिवन टर्म, गिवन सीक्वेंस जो है वो एपी में है, तो अपन इसके कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से, टी एन इज टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हो गया अपना एपी का फॉर्मूला, अपन इसका सम भी निकाल सकते हैं, बट इसमें अपने को टर्म्स पूछना है ना, तो T5। सिमिलरली अगर मैं T6 निकालना चाहूँ, मैं यहाँ पे अगर T6 निकालना चाहूँ तो A प्लस क्या हो जाएगा 5D, T7 निकालना चाहूँ तो A +6D। तो यहाँ पे अपन D की वैल्यू और A की वैल्यू रख के आगे वैल्यू निकाल सकते हैं, जैसे 1 + A कितना आ जाएगा 5 × 24, तो ये कितना आ जाएगा 1:1। यहाँ पे 1 + 6 × 24, तो ये कितना आ जाएगा 145। अपन इसमें देखिए तो इसमें कितना डिफरेंस होगा 24 का, इसमें देखा कितना डिफरेंस होगा 24 का। तो ये अपन जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी में है, और एपी का फर्स्ट टर्म ये है, और कॉमन डिफरेंस 24 है। तो इस तरीके से अपन इसके कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं।